गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इडोग्राम एकेडमी, प्लांटिंग द इनोवेटिव माइंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे एग्जामिनेशन के बारे में जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और ये एक जो है ना आर्मी के लिए है, और जो ऑफिसर रैंक की ये पोस्ट इसमें आप लोग मिल सकते हैं आप लोगों को। तो हम लोग आज बात करते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS, और हम लोग आज इस पर बात करेंगे इसकी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, हाइट्स क्या है, और बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कोर्स ओवरव्यू क्या है। इस कोर्स में इस एग्जामिनेशन को देने के बाद आप लोगों को 4 ईयर के लिए BSc नर्सिंग की कोर्स करवाई जाएगी, जिसमें आपको बहुत ही सारी चीज़, जैसे नर्सिंग आजकल बहुत ही नोबल जो प्रोफेशन बन चुका है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। नाउडेज दिस इज़ द प्रेस्टिजियस जॉब इन विच यू कैन पर्स। हम लोग अब आते हैं सीट के बारे में बात करते हैं, सीट कितना है इसमें। टोटल सीट 160 अप्रॉक्स रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में 160 सीट रहते हैं। और उसके बाद हम लोग कॉलेज के बात करते हैं। कॉलेज पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई, इन सब सिटी में कॉलेज है, और आप लोग यहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग। तो अगर आप ये कोर्स पर्स करते हैं तो इसमें आपका जो रहना, खाना पीना, जितना भी चीज़ होता है वो सारा चीज़ आपको फ्री मिलेगा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये सारी चीज़ फ्री मिलेगी MHRD की तरफ से। और जो है इसमें एक बहुत ही बेसिक बॉन्ड बनाया जाता है। बॉन्ड का मतलब क्या है कि आप बॉन्ड में लिखा जाता है, आप अगर ये कोर्स फिनिश करते हैं, ये 4 ईयर का प्रोग्राम फिनिश करते हैं, तो इसमें आपको 5 साल की एक बॉन्ड बनाई जाती है, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि 5 साल आप अपनी जो है ना ड्यूटी आर्मी के लिए देंगे। मतलब आपका जो जो पेमेंट वगैरह होगा वो आप लोगों को मिलेगी, लेकिन जो है ना मिनिमम कम से कम 5 साल तक आप है ना आर्मी को अपना मतलब योगदान दे सकते हैं, और वो भी एज अ ऑफिसर रैंक। तो अगर देखो ऑफिसर नाम से ही ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं मोटिवेशन आता है, और ख़ासकर इंडियन आर्मी के नाम से, और इंडियन आर्मी बहुत ही प्रेस्टिजियस नाम है, और आप लोगों को मालूम ही होगा इंडियन आर्मी क्या है हम लोगों के लिए और कितना महत्वपूर्ण रहता है। तो आप लोग ये कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हम लोग आते हैं अभी, जैसे इसमें स्पेशल पॉइंट्स में हम लोग और भी बात करेंगे, जैसे कि इसमें अनमैरिड होना चाहिए, मतलब वैसा मतलब जो गर्ल्स ये कोर्स करना चाहती है वो अनमैरिड होना चाहिए, और या तो डाइवोर्स्ड होना चाहिए, मतलब उस पर कोई मतलब जो होता है कोर्ट वगैरह में कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए, फुल्ली डाइवोर्स्ड होना चाहिए, देन हम ये कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं हम लोग। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेप्स में होते हैं। पहला होता है रिटन टेस्ट, देन इंटरव्यू एंड मेडिकल। देखिए आप लोग है ना रिटन टेस्ट में होता क्या है ना, आप अगर एग्जामिनेशन दोगे, एग्जामिनेशन के बाद होता क्या है, आप लोग एग्जामिनेशन में टोटल 500 स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। 500 कैंडिडेट सेलेक्ट होने के बाद फिर है ना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू में है ना 160 अप्रॉक्स सिलेक्शन होता है। देन मेडिकल टेस्ट, आप लोग फैमिलियर होंगे ही मेडिकल टेस्ट से, देन अगर आप फैमिलियर नहीं है तो हम लोगों का जो ये ऊपर में आ रहा है वीडियोज़ उनको जाके देख सकते हैं मेडिकल टेस्ट क्या होता है। देन हम लोग आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे एज लिमिट 16 से 24 ईयर की होनी चाहिए। ये वीडियो आपको हम 2019 के बेसिस पे बता रहे हैं, तो ये एज क्राइटेरिया 16 टू 24 ईयर होनी चाहिए। और आपका दूसरा पॉइंट आता है 12th पास या अपेयरिंग, आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो 12th पास या अपेयरिंग होना चाहिए। और जो है आपका ये मतलब 12th आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी
इंक्लूडिंग इंग्लिश होना चाहिए, मतलब तीन होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, और इसमें कम से कम आपको 50% मार्क होने चाहिए इसको, इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। और आपको आता है यहाँ पे अनमैरिड, यानी एलिजिबिलिटी उन्हीं को दिया जाएगा इस एग्जाम में बैठने के लिए जिनके पास अनमैरिड, मतलब जो अनमैरिड हो और या तो फुल्ली डाइवोर्स्ड हो, ठीक। और हाइट की हम लोग आते हैं, बात करते हैं हाइट, 148 सेंटीमीटर, मतलब गर्ल्स के लिए 148 सेंटीमीटर है, और पहाड़ी गर्ल्स के लिए वो इंक्रीज हो जाता है, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। और आगे हम लोग बात करेंगे रिटर्न टेस्ट फॉर्मेट की, और फॉर्मेट हम लोग देखेंगे अब टेस्ट फॉर्मेट्स के बारे में। टेस्ट फॉर्मेट्स क्या होता है, मतलब इसमें कितने आवर्स की टेस्ट होती है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, और बहुत सारे जानकारी लेते हैं। देखिए टेस्ट फॉर्मेट, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का टेस्ट फॉर्मेट की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो 90 मिनट्स के जो एग्जामिनेशन होती है, मतलब 90 मिनट का आपको टेस्ट लिया जाएगा आपसे, और जो है इसमें आपकी जो 12th के सिलेबस हैं बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं ना आपको पूछा जाएगा, और टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, और आपका जो जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल इंग्लिश है, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती है, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। और हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चन वेरी करते हैं हर एक ईयर, कभी 100 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 120 आते हैं, 150 आते हैं, तो क्वेश्चन वेरी करते हैं, मार्क्स भी वेरी करते हैं कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। तो एक्चुअली ये आर्मी रैंक की और ऑफिसर रैंक की एग्जामिनेशन है, मतलब अगर आप ये कोर्स करते हो तो इसमें ऑफिसर रैंक की आपको पोस्ट मिलेगी, और 99% चांस है कि आपको ऑफिसर रैंक मिले, और आप अगर ये कोर्स करते हो तो आपको आपकी तो लाइफ सेट है भाई, ठीक है। देन हम लोग है ना देखे सारे चीज़ टेस्ट फॉर्मेट का, अब हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, सारी चीज़ कैसे करें। हम लोगों ने देखा कि जनरल इंटेलिजेंस वगैरह है, केमिस्ट्री कैसे पूछते हैं, फिजिक्स भी कैसे पूछते हैं, बायोलॉजी ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, फिजिक्स भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बायोलॉजी भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो इन चीज़ों का अब बात आता है, इन चीज़ों का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। तो एक सिंपल सा जो है मतलब ऑप्शंस आता है, या मतलब क्या कहते हैं सॉल्यूशन आता है इन चीज़ों को क्रैक करने के लिए, वो है एडुग्राम एकेडमी। तो आप है ना एडुग्राम एकेडमी की हमारी वेबसाइट www.edugramacademy.com पे जा सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या तो हमारा ऐप स्टोर पे एक ऐप है, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, और आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, वो भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा, और जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया हुआ है इन चीज़ों के बारे में, वो उनसे आपको जानकारी मिलेगी और वो आपको पढ़ाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम लोग जो बात किए हैं बहुत ही मतलब हाईली प्रिसाइज हैं। और इंटरव्यू की हम लोग बात करते हैं, इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें हम लोग तो टेस्ट पैटर्न का देखें कि पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, एंड फिर लास्ट में मेडिकल्स होते हैं। मेडिकल के बारे में हम लोग का जो ये सेक्शन आ रहा है ऊपर में, वहाँ यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं वो मेडिकल टेस्ट क्या होता है। एंड हम लोग इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू में बेसिक सा क्वेश्चन अराइज करते हैं वो लोग उनके द्वारा, कि मतलब आपका ये इसमें इंटरेस्ट क्यों आया, कैसे आया, या आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, या मतलब आपकी च्वाइस है ये, या मतलब आपका फुल्ली जो पैसन है बीएससी नर्सिंग क्या, सारा चीज़ इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। और ये सारी चीज़ हम लोगों के इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी एडुग्राम एकेडमी के चैनल पे करवाया जाता है। तो आप लोग हमसे जुड़िए और इन चीज़ों को पढ़िए और आगे बढ़िए। और ये मेनली बीएससी नर्सिंग 4 CF प्रोग्राम ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। देन आप लोग इससे ज्वाइन कीजिए और पढ़िए आगे। थैंक यू।